नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश और तंदुरुस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्रिएटिव हैंडमेड में। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद। तो चलो चलते हैं अपने DIY की ओर। आज का जो DIY है वो हमने एक किचन में जो हम काफ़ी यूज़ करते हैं उस चीज़ को लेके हमने बनाया है। और एक्चुअली ये जो पहला जो DIY है वो मिरर से भी बन सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि मिरर की जगह अगर हम कुछ और इस्तेमाल करें जो हमारे घर में आसानी से मिल सकता है, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया है। तो चलो चलते हैं अपने DIY की ओर। अब सबसे पहले मैंने एक राउंड कार्डबोर्ड लिया है, उसको साइड से एब्रो टेप से कवर किया है और उसके ऊपर मैंने वॉल पुट्टी का एक पेस्ट लगा लिया है। तो ये पेस्ट ज़रा पतला होना चाहिए और इसे पूरी तरह सूखने दीजिए। उसके बाद आप उसे ब्लैक कलर से कलर कीजिए और आपका मनपसंद डिज़ाइन इस पर ड्रॉ कीजिए। तो मेरे पास एक घर में एक हॉट प्लेट थी जिसकी मुझे डिज़ाइन बहुत ही पसंद आई थी, तो मैंने उस प्लेट की डिज़ाइन को इस पर कॉपी किया है। तो आप अपनी अनुसार अपना डिज़ाइन ट्रेस कर सकते हो। और मैंने इसमें यूज़ किया है एल्युमिनियम फॉइल, जो हमारे घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और इसके हमने छोटे छोटे पीसेस करके यूज़ किया है। तो ये थोड़ा सा, इसकी जगह आप अपने पास अगर मिरर होंगे तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इस तरह के वॉल हैंगिंग में मुझे एल्युमिनियम फॉइल बहुत ही आसानी से यूज़ करने की मैंने सोची। तो देखिए, इस तरह से आप छोटे छोटे पीसेस बना लीजिए और मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके हम अपने घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती है उन्हीं को यूज़ करके हम अपना वॉल डेकोर बनाएं। तो देखिए, ये एल्युमिनियम फॉइल के छोटे छोटे पीसेस कट किए हैं और मैंने उस डिज़ाइन पे हल्के से चिपकाए हैं फेविकॉल की सहायता से। तो ये बहुत ही नाजुक होते हैं, आप जब इसे कट करोगे या पेस्ट करोगे तो आपको बहुत ही धीरे धीरे ये काम करना होता है, नहीं तो ये फट जाते हैं। तो इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन पे पेस्ट किया है, देखिए। बाकी की जो खाली जगह है उस पर मैंने इसे पहले आउटलाइन बना ली है इसकी, और बाकी के खाली जगह में मैंने सिर्फ वाइट पेंट से उसे एक डिज़ाइनर लुक दिया है। तो आप इसमें छोटे छोटे पीसेस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे उसमें नहीं यूज़ करना था तो मैंने एक अलग तरह से इसे लुक देने की कोशिश की है। देखिए, इसमें आप ग्रे कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बहुत सुंदर दिखता है। मैंने वाइट कलर का इस्तेमाल किया है, एक्रेलिक। देखिए, सिंपल सा डिज़ाइन है। अब मैंने हाफ राउंड सब जगह यूज़ किया है, आप लाइंस से भी इसे कवर कर सकते हो। तो ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है और वो जो खाली जगह है वो भी भर जाती है। तो देखिए, हमारा ये डेकोर बन के रेडी है। अब आप डबल साइडेड टेप से या एब्रो टेप से आप इसे चिपका सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये डेकोर पसंद आया होगा। बहुत ही आसान है बनने में और ये चीज़ें हमारे घर में आसानी से मिल सकती हैं। आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ये एल्युमिनियम फॉइल से इतना अच्छा डेकोर बन सकता है।
तो हमेशा याद रखिए, जब आपके पास कोई चीज़ ना हो तो हम सोचने लगते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उन्हें यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं। तो इसी में से ये एक प्रकार का DIY निकल के आया है। और अब हमारा DIY पूरी तरह से तैयार है। आप इसे वार्निश से कवर कर लीजिए जिससे ये इसमें थोड़ी सी शाइन रहेगी। अब चलते हैं अपने दूसरे DIY की ओर। इसमें सिर्फ हमने कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया है और सुंदर सा जो DIY बना है इस सेकेंड पार्ट में, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो इसी तरह मैंने ऑनलाइन का देख के ही मैंने सोचा जो हमारे घर में अवेलेबल है उसे यूज़ करके हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड को लीफ शेप में कट किया है। नियरली 30 सेंटीमीटर का लेंथ है और 11 का विड्थ है, तो आप अपने हिसाब से इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। अब मैंने यहाँ जो कोन यूज़ किया है ये वॉल पुट्टी और पानी का है। तो इसमें जैसे मैंने पहले DIY में पेस्ट लगाई थी उसी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा रखते हुए मैंने इस कोन शेप में डाल के इसकी आउटलाइन बनाई है। तो अगर आपके पास आपको करने में ये नहीं जम रहा होगा तो आप 3D आउटलाइनर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप छोटी पतली जो थ्रेड आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको यही चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। हमेशा जब आप अपने DIY बनाओगे तो आपके पास जो अवेलेबल होगा उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके आप बनाइए। तो मैंने सिर्फ इसे गोल्डन कलर से पेंट किया है बॉर्डर्स को। अब मैंने अल्टरनेटली उसे गोल्डन कलर और ब्लैक कलर में पेंट किया है। ये DIY बहुत ही आसान है बनने में और ये आपको ऐसा ही DIY ऑनलाइन स्टोर पे भी मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे। अब जो ब्लैक पार्ट था उसमें मैंने डॉट्स का इस्तेमाल किया है उसे कलर करने के लिए। उसे थोड़ा सा तो अगर आप चाहो तो उसमें लाइंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो या छोटे छोटे हाफ सर्कल्स भी ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे डॉट्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहिए तो अपने हिसाब से कुछ और भी छोटा सा डिज़ाइन बना सकते हो, जैसे हाफ सर्कल्स बनाए थे मैंने पिछले DIY में, या लाइंस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा आपका DIY। आप ज़रूर इसे बना के देखिए। आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए DIY के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।